हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खजूर और बिस्किट में से बहुत ही अच्छी स्वीट की रेसिपी। ये रेसिपी बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, तो चलिए खजूर बिस्किट बनाना शुरू करेंगे और बहुत ही हेल्दी तो है ही। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा और गुजराती किचन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारी गुजराती किचन गुजराती चैनल भी है, तो आप चाहे तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो खजूर बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए खजूर। खजूर के मैंने सीड्स निकाल दिए हैं और अच्छे से सॉफ्ट खजूर हमें लेने हैं ताकि बहुत ही अच्छे से उसके बिस्किट बनाए जाए। तो मैंने 250 ग्राम खजूर लिया है, बी उसके निकाल लिए हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट लेना है, मिक्स ड्राई फ्रूट लीजिए, काजू बादाम पिस्ता, और उसमें अखरोट ज़्यादा ही डालें ताकि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अखरोट बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, तो अखरोट ज़रूर डालिए। और अभी मिक्सर जार में सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे और उसको हमें क्रश कर लेना है। बच्चे वैसे तो ड्राई फ्रूट नहीं खाते, लेकिन ऐसे पाउडर फॉर्म में देंगे तो वो अच्छे से खा लेंगे। तो उसको मैं अच्छे से दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम उसको भी साइड पे ले लेंगे। और अभी हमें एक पैन को गर्म करने के लिए रख देना है। अभी हमें उसको खजूर को उसके अंदर पकाना है, तो उसके लिए हमें ऐड करना है घी। थोड़ा सा घी डालेंगे, करीब 2 बड़े चम्मच, और घी को गर्म होने देंगे। और उसके बाद हमें घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, उसके बाद हमें जो खजूर कट करके लिए है वो ऐड करेंगे और अच्छे से उसको भूनना है जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और अच्छे से एक डो जैसा ना हो जाए। थोड़ी देर में आप देखेंगे खजूर अच्छे से सॉफ्ट होना चालू हो गया है। आप चमचे की मदद से उसको अच्छे से प्रेस करते जाइए और हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से मैश होता जाएगा। करीब 4 से 5 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से मैश होके तैयार हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि हल्का हल्का पिघलना चालू हो गया है, अच्छे से ये मैश होके तैयार हो जाएगा। तो आपको मिक्सर में भी क्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि अच्छे से ये मैश हो चुका है। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से खजूर अच्छे से एक डो जैसा बन गया है। और 2 मिनट जितना पकाएंगे और अच्छे से ये थोड़ा अभी हाथ में गोल गोल आने लगा है, आप देखेंगे कि लड्डू जैसा, तो समझ लेने का कि अच्छे से ये हमारा खजूर तैयार हो गया है, अच्छे से पक गया है। आप देखेंगे इस तरीके की गोली बन जाएगी, हाथ में जैसे फैलाएंगे तो वो अच्छे से फैलने लगेगा। तब हमें ड्राई फ्रूट को ऐड कर देना है जो हमने क्रश करके रखा था, और अच्छे से उसको भी मिक्स करेंगे। करीब आधा मिनट जितना उसको भी पका लेना है, ज़्यादा उसको ना पकाए और गैस का फ्लेम स्लो ही रखें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप देखेंगे कि अभी बिल्कुल ये चिपकता नहीं है और बहुत ही अच्छे से हमारा डो तैयार हो चुका है। तो चलिए अभी हम उसको असेंबल करते हैं बिस्किट के साथ, ताकि बच्चों को भी बहुत ही अच्छा और नया ये अच्छा स्वीट खाने को मिले। तो अभी मैंने मैरी बिस्किट लिया है, कोकोनट पाउडर लेना है सूखा वाला, और थोड़ा सा घी लेना है। तो अभी मैं आपको एक करके दिखा दूंगी ताकि आपको भी बहुत ही अच्छे से पता चले। और इसको गरम गरम ही करना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से ये फैला सके। अभी हाथ में घी लगाएंगे। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते तो आप कोई ग्लास ले लीजिए, उसके बाद हाथ में लेके उसको फैला सकते हैं। लेकिन ऐसे हाथ से ही हम अच्छे से थोड़ा सा डो लेंगे और बिस्किट के ऊपर रखेंगे और फैलाते जाएंगे। बहुत ही इजी है बनाना उसको। तो चलिए अभी हाथ में मैंने ले लिया है, आप देखेंगे हाथ की मदद से पूरी जैसा बनाएंगे, बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। और एक बिस्किट ले लेंगे, बिस्किट के ऊपर ही हमें उसको रख देना है। करीब से बताऊंगी ताकि आपको ही बहुत ही आसानी से पता चले। और उसके ऊपर हमें ये हमने जो खजूर का रोटी पूरी जैसा बनाया है उसको अच्छे से फैला लेना है उसके ऊपर। आप हाथ से फैलाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये फैल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा गर्म है तो इजी से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अभी फिर से हमें उसके ऊपर एक बिस्किट रखना है सेम तरीके से। अभी हाथ अगर आपको लग रहा है गर्म है, थोड़ा घी वाला हाथ कर लीजिए, सेम हाथ से उसको पूरी जैसा बना दीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए और उसको भी अच्छे से पैक कर लीजिए। और तीसरा बिस्किट रखेंगे। अगर आप 2 बिस्किट का बनाना चाहते हैं बिस्किट रोल तो भी बना सकते हैं। तो दूसरा बिस्किट भी मैंने रख दिया है। उसके बाद फिर से हमें अभी उसको पैक करना है, अच्छे से पैक करेंगे ताकि हमें ऊपर का थोड़ा ज़्यादा मोटा लेंगे ताकि पूरा बिस्किट अच्छे से कवर हो जाएगा। सेम पूरी जैसा मैंने बना लिया है आप देखेंगे, और उसके ऊपर अच्छे से चिपका देंगे और अच्छे से फैलाते जाएंगे और उसको रोल करते जाएंगे। और साइड से भी हमें दूसरा हमने खजूर का पेस्ट लेना है और उसको चिपकाते जाना है। बहुत ही ईजी से ये चिपक जाएगा, तो इस तरीके से हमें
कर लेना है सेट। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने साइड्स से भी उसको कवर करने का कर लिया है। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा और पेस्ट ले लीजिए और उसको साइड बाय साइड चिपकाते जाइए ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए और बहुत ही अच्छा दिखे। आप देखेंगे कि मैंने साइड से भी लगा दिया है। तो चलिए एकदम तैयार हो चुका है। तो उसको अभी क्या करना है, आपको हो जाने के बाद उसको हाथ से थोड़ा गोल कर लीजिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए और एक अच्छा सा रोल मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा ये दिखे। आप देखेंगे हमारा रोल तैयार हो चुका है। तो चलिए अभी हमें कोकोनट उसके ऊपर लगा लेना है ताकि ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा तैयार बिस्किट रेडी हो गया है। सेम तरीके से दूसरा भी तैयार कर लूँगी और बाद में आपको कट करके भी दिखा दूँगी। तो सारे हमारे बिस्किट रोल तैयार है। तो चलिए मैं आपको एक कट करके भी दिखा दूँगी और बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चों को आप टिफ़िन बॉक्स में दें या आपके बच्चे एक ही बार में खा जाएंगे, इतना ही टेस्टी बनते हैं। हल्दी तो है ही। और चलो हम अभी थोड़ा सा 10 मिनट के बाद उसको कट करेंगे। 10 मिनट उसको रेस्ट दीजिए ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। फ्रिज में ना रखिए, उसको बाहर ही रखने का है। अभी आप देखेंगे कि मैंने उसको दो पार्ट में कट कर लिया है और बहुत ही अच्छे से हमारे ये बिस्किट रोल बनके तैयार हो चुके हैं। देखने में भी बहुत ही ये अच्छे लग रहे हैं। तो रेसिपी को ज़रूर बनाएं और आप ये बिस्किट रोल को एक वीक तक अच्छे से रख सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। मिलती हूँ ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।